हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सचिन मौर्य जैसा कुछ इस टाइप का थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो ये थंबनेल मेरे को थोड़ा सा यूनिक लगा उनके हर एक थंबनेल से। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं जो इस टाइप का थंबनेल हम लोग अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आप लोग को सिखाता हूँ। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और ये थंबनेल हम लोग पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पे बनाने वाले हैं। तो पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग को सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर जाना है, देन इमेज साइज पर टैप करना है, कस्टम पे टैप करना है, यूट्यूब चैनल बैनर सेलेक्ट करना है जिससे थंबनेल का क्वालिटी और अच्छा आएगा। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आप लोग को फ्रॉम गैलरी पे जाना है और एक इमेज लेना है जो आपका बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड वाला इमेज ले लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन इम्पोर्ट पे आप लोग को टैप करना है, ये वाला पीएनजी ले लेना है। उसके बाद आप लोग को इस पीएनजी को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देन इस पीएनजी को लॉक कर देंगे एंड न्यू टेक्स्ट जो हम लोग का लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको इस टाइप से हम लोग ऊपर ले आएंगे। उसके बाद हम लोग बैक आ जाएंगे, देन हम लोग न्यू टेक्स्ट पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पेमेंट। के बाद हम लोग को इस ए वाले ऑप्शन पे आना है, देन आप लोग को इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो ए बी वाले ऑप्शन पे जाके आप लोग को इसका फॉन्ट चेंज करना है। यहाँ पे जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ उसका नाम है पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड, तो ये सिलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। ओके कर देने के बाद इसका जो कलर है वो हम लोग रेड कर देंगे। देन आप लोग को करना है, यहाँ पे आप लोग को इनर शैडो देना है, तो इनर शैडो आप लोग को ब्लैक कलर का देना है। ब्लर रेडियस आप लोग को 3 रखना है। उसके बाद ऑफसेट वाई को आप लोग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो यहाँ से 3% पे आप लोग रख सकते हैं ऑफसेट वाई को। उसका डन करेंगे। डन करने के बाद आप लोग को इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को कर्व वाला ऑप्शन मिलेगा इसी ए ऑप्शन में, इसको इनेबल करना है, देन इसको 5% कर्व दे देना है। इसके बाद ओके करेंगे एंड देन फिर हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको ही कॉपी करेंगे, देन इस पर डबल टैप करेंगे एंड यहाँ पर लिख लेंगे 28। उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ से ओके कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो इसका जो फॉन्ट हम लोग लेने वाले हैं वो है पॉपिंस बोल्ड। उसके बाद ओके करेंगे। ओके कर देने के बाद इसका जो कलर है हम लोग ब्लैक कर देंगे। ब्लैक कर देने के बाद देन इसको हम लोग कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे पेमेंट के बगल में। और उसके बाद फिर से हम लोग इसको कॉपी करेंगे एंड इस पर डबल टैप करेंगे और स्मॉल लेटर्स में TH लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको हम लोग 28 के ऊपर लगा देंगे। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इन दोनों को। मैंने आपको 28 को फिर से कॉपी करना है। उसके बाद इस पर हम लोग डबल टैप करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम, क्या टेक्स्ट साइज पे जाएंगे, देन इसको हम लोग छोटा करेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रॉम को इस पोजिशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड देन पेमेंट के नीचे हम लोग इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। और इसका टेक्स्ट अगर आप लोग और छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रॉम को कॉपी करेंगे, देन इस पर डबल टैप करेंगे और हिंदी में लिख लेंगे इतना ज़्यादा। उसके बाद ओके करेंगे। देन इसका जो हम लोग को कलर है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं कलर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और इसका कलर हम लोग को येलो कर लेना है। उसके बाद इसको जो इनर शैडो देना है वो हल्का सा ऑरेंज टाइप का देना है, कुछ इस टाइप का आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ओके करेंगे, यहाँ से डन करेंगे। उसके बाद इसका जो साइज़ है वो हम लोग बड़ा कर लेंगे, तो इसका साइज कुछ इस टाइप से आप लोग को बड़ा कर लेना है। देन इसका जो फॉन्ट है वो भी हम लोग चेंज करेंगे ए बी वाले ऑप्शन पे जाके। तो इसका जो फॉन्ट है मैं रखूँगा पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड। तो उसके बाद आप लोग को इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को इसको कर्व वाले ऑप्शन पे जाना है और इसका कर्व आप लोग को डिसेबल कर देना है। उसके बाद आप लोग को इस लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इन सब को लॉक कर देना है ताकि ये अपने पोजिशन से हिले ना। उसके बाद आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन इम्पोर्ट पे टैप करना है और आपको अपना ही पीएनजी ले लेना है। यहाँ पे मैं सचिन भाई का पीएनजी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना पीएनजी ले लीजिएगा। तो इसको मैं कुछ इस टाइप से बड़ा कर लूँगा। तो पीएनजी का क्वालिटी यार उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट में से लिया है। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको कुछ इस टाइप से पकड़ेंगे और यहाँ से सबसे पीछे कर देंगे। उसके बाद आप लोग को इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, फिर से इसको लेयर वाले ऑप्शन पर जाके मैं लॉक कर दूंगा ताकि ये हिले ना। उसके बाद आप लोग को एक और पीएनजी लेना है यहाँ पे इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर जाके। देन ये वाला पीएनजी ले लेने के बाद इसको कुछ इस टाइप से आप लोग को एडजस्ट करना है जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देन इसको भी हम लोग यहाँ पे इस टाइप से नीचे ले आएंगे, सचिन भाई के पीएनजी को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे एंड इसको कुछ इस टाइप से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का थंबनेल बन चुका है। उसके बाद हम लोग को सेव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सेव एज इमेज पे टैप करना है, कस्टम पे टैप करना है, अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी कर लेना है। अब आप लोग को मैं बता दूं जो कि यार इस वीडियो में जितना भी पीएनजी मैंने यूज़ किया है वो सब मैंने खुद बनाया है, मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किया है सबसे पहली बात। तो ये सब बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो यार आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।